कमली भी आपने एडिट की। बिल्कुल कमली, तो कमली के शूट के ऊपर भी आपका जाने का मौका जी, मैं मिला। DIT वगैरह मैंने की थी उसकी। अच्छा। और मतलब सारा कमली का जो पोस्ट प्रोडक्शन का और उसकी शूट के दौरान का सारा जो निज़ाम था मैंने देखा। क्योंकि मैं भी अरसा 12 साल से फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उस तरह मैं ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन खबरें मिलती रहती हैं। सरमद खुसट जो खुसट फिल्म्स है, इसके बारे में एक मैंने बात एक सुनी कि इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है और जो यूनिट के लोग हैं किसी को कुछ शिकायत का मौका नहीं होता। ऐसा ही है। नहीं, आप तो वहाँ जॉब कर रहे हैं, आप तो ऐसा ही कहेंगे। नहीं नहीं आप जैसे मर्जी पूछना। मैं इसका ना, मैं तो बाहर का आदमी, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। मैं आपको ना एक वाक्य सुनाता हूँ जी। एक दफ़ा ऐसे ही मतलब कि शर्मा साहब से ना हो रही थी बात, तो शूट पे कुछ खाना कम हो गया, कुछ टाइप इस तरह का वाक्य हुआ। ठीक है। तो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा क्लास लगाई। अच्छा। तो फिर उन्होंने ना इरफान साहब का एक किस्सा सुनाया कि इरफान खुसट साहब, इरफान खुसट साहब, ठीक है, कि लोग ना खाने के लिए मतलब खाना रोटी के लिए करते हैं ना सब, अगर सेट में रोटी ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा। तो मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी प्रोडक्शन में कभी कुछ मतलब मिसाइल। मैंने उनके साथ बड़ा काम किया फिल्म के अलावा, फिर जॉयलैंड थी वो भी उनका एज अ प्रोड्यूसर का काम था, फिर और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रोडक्शन होती रहती, कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर जब क्रू के साथ बैठ के खाना खाएगा तो उसकी क्वालिटी, उसका मेयार कभी कम नहीं हो सकता। पूरे यूनिट को लगता है कि यार ये हम में सही है और हमारे साथ है और हमें इसका साथ देना चाहिए, वो पूरा यूनिट जान मारता है। बिल्कुल।